भाजपा सरकार के 4 साल पूरा होने पर आज भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मोटरसाइकिल जुलूस नहीं कराएंगे, बताया जाए? यह पूरे देश में, सिर्फ आरा में ही नहीं, पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के निर्देश पर 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसके अंतर्गत पार्टी के जितने भी बड़े नेता हों या कार्यकर्ता हों या जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि या पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं, ये सब हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जाकर सरकार के अपनी 4 साल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं और साथ ही साथ जो पूरे देश में कांग्रेस भ्रम फैला रही है अनेकों मुद्दे पर, उसे भी हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। आरा में भी कार्यक्रम तय हो गया है, 10 तारीख को और 11 तारीख को यहाँ कार्यक्रम होगा पूरे शहर में और इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व के विधायक, विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय अमृत प्रताप सिंह जी रहेंगे। हम लोग जाकर जनता को बता रहे हैं कि कांग्रेस कैसे कह रही है वर्दी के नाम पर। सबको पता था कि इसके पहले जो भी सरकार थी वो टेंडर के माध्यम से सोल्जर्स को वर्दी उपलब्ध कराती थी, जैसे अनेकों योजना में, अंत्योदय में, APL में, BPL में जो सीधा लाभ लाभुक को दिया जा रहा है, इसी के तहत सरकार ने रैंक के अनुसार एक निश्चित राशि तय की है जो सीधे फौजी भाइयों के खाते में जाएगा और अपने मन के अनुसार अच्छी क्वालिटी का वर्दी बना लेंगे। जैसे अब देखिए, छोटा सा मुद्दा आता है, पहले क्या था धन जन योजना में, क्या था, हमने खाता किस लिए खुलवाया पहले? अब हम लोग का सरकार का चल रहा है आयुष्मान योजना। इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो एक चिन्हित जगह होते थे, नर्सिंग होम होते थे, कि वहाँ से आदमी को मात्र 25,000 रुपये का ही शल्य लाभ मिलेगा, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर पूरे 5 परिवार के अंदर में 5 लाख रुपये की गई है। स्किल डेवलपमेंट के तहत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है सरकार। सबसे बड़ा मुझे यह आता है कि यही कांग्रेस छाती पीट पीट पर कहती है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, भाजपा मुस्लिम विरोधी है, और कभी हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा करीब जाते हैं मुस्लिम समाज का, चूँकि वे इस देश के नागरिक हैं, उनका भी इस देश को निर्माण करने में उतना ही योगदान है जितना हिंदू का है, तो कांग्रेस चिल्लाने लगती है सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने। और अभी देखिए, प्रणब मुखर्जी जी जाएंगे संघ के कार्यक्रम में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक घटना को याद दिलाया कि जब मैं राष्ट्रपति था तो किसी बात पर आए और उस समय मणिशंकर अय्यर जी और एक और कांग्रेस के बड़े नेता थे और सोनिया जी गई, उन दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति जी का अभिवादन किया, लेकिन सोनिया जी हाथ तक जोड़ना पसंद नहीं की, अर्थात उनको लगा कि ये देश के राष्ट्रपति नहीं है, ये सोनिया गांधी के गुलाम है। यह बात प्रणव दा को पिंच कर गई और जैसे ही वो राष्ट्रपति के पद से हटे वो बोले कि अमित शाह जी से पहले मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता हूँ और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलाप से मुझे प्रेरणा मिली है। तो इस पर कांग्रेस क्यों चिल्ला रही है? जितनी भी सरकार की 4 साल की उपलब्धियाँ हैं, अब देखिए पेट्रोल पे चिल्लाती है, तो पेट्रोल का डीजल उस स्तर पे छोड़ा था किसने? अटल जी की सरकार 2000 से लेकर 2004 तक थी, पेट्रोल 27 रुपये और 32 रुपये के बीच में था, छोड़कर चले गए अटल जी 2000 में, उनकी सरकार चली गई। 2004 से लेकर 2014 तक 82 रुपये पर लाकर कांग्रेस छोड़ दिया और कहती है कि पेट्रोल की दोषी है, पेट्रोल से ही लोग सब्जी बनाता है क्या? चर्चा हो तो कांग्रेस को हर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। उनके कार्यकाल में, उनके राज में 200 रुपये दाल था, आज 70 रुपये केजी दाल है, आटा था 34 रुपये, आज 25 रुपये है, रिफाइन था 110 रुपये, आज 67 रुपये, 67 रुपये है, यानी खाद्य पदार्थ जितने भी हैं, जितने भी पेटेंट बहुराष्ट्रीय कंपनी की दवाएं होती थी वो जाकर देखिए हर देश के हर सदर अस्पताल में है। जो एक जेनेरिक दवा खुलवाने का काम नरेंद्र मोदी जी काम किए हैं, वो 5,000 रुपये की दवा मात्र 250 रुपये मिल रहा है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जाता था। अर्थात जो पूरे भूमंडल में अन्य देशों की अपेक्षा जो भारत एक सबको धसोड़ते हुए, सबको धकेलते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, यह कांग्रेस को रास्ता नहीं आ रहा है। कांग्रेस पेट्रोल पे चिल्लाती है तो जवाब देना, पंजाब में उनकी सरकार है वहाँ 82 रुपये लीटर पेट्रोल है, हिमाचल में हमारी सरकार है वहाँ 73 रुपये लीटर पेट्रोल है, क्यों? वही तुलना कर ले। बोलते हैं किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि 4 साल में बहुत विकास बहुत हुआ है जितना, हाँ, लेकिन यह समय नाकाफी है, कम है, देश की जनता को एक और अवसर देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग पूरे जिले में कार्यक्रम चला रहे हैं, हर जनता के बीच में जाएंगे, हमारे निकाय के जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ रहेंगे और हम अपनी उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। बचावता हमारे केंद्र से पत्रक आया है, उस पत्रक के माध्यम से हम अपने ऊपर दी गई जिम्मेवारियों का हिसाब देंगे।
पर्चे बताए। धर्मेंद्र सिंह, जिला प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री के 4 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है, विरोधियों का लगातार हमला है कि विकास नहीं हुआ है देश में, क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है कि जितने भी सत्ता पक्ष के विरोध में बोलना है, गलत से गलत बयान देना है, उनका ये काम है। वो अपना विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारी सरकार जो है वो अपने विकास की ओर बढ़ रही है, उसमें उज्ज्वल गैस योजना हर गरीबों के घर में पहुंचाने के काम किया, रोड सड़क का निर्माण किया, 4 लाइन 6 लाइन का बहुत तेज़ी से निर्माण हो रहा है, सभी गरीबों को दवा उपलब्ध कराई जा रही है। हम लोग का सरकार का पिछले काफ़ी दिनों से ये देखने में आया है कि पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष का काम है घेरना। क्या लगता है कि आपके हिसाब से आपकी सरकार जो पार्टी की है सही के कदम उठा रही है? समय पर उसका जो वृद्धि हुई है रेट का, उसका कम भी होगा। क्या लगता है कि आगे 2019 के चुनाव में अगली बार मोदी की सरकार बनेगी? फुल बहुमत में हमारी सरकार बनेगी। पर्चे बताएंगे नगर बीजेपी।